गाइस, मेरा नाम सुधांशु और आज मैं एक नया वीडियो के साथ आपके सामने। सो आज हम बात करेंगे पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन के बारे में। सो पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है कि सबको पता है लेना है प्रोटीन, वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना पड़ता है। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं, जो वीगन होते हैं, जो प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहते, इसका नाम है सोया चंक्स। सो बेसिकली सोया चंक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। चिकन यूज़ नहीं कर सकते, जब हम प्रोटीन शेक यूज़ नहीं कर सकते, हम वेजिटेरियन हैं तो हमारे पास ठीक ठाक सा एक ऑप्शन बचता है सोया चंक्स। सो सोया चंक्स के बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको अब डिटेल्स में बताऊँगा। पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन पे आप सोया चंक्स को ले सकते हो। मीन्स अब आप उसको लेना कैसे है, इसमें कितने ग्राम प्रोटीन इंटेक होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, कितना फैट होता है, मैं आपको डिटेल्स में समझा। अगर आप मुझे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है आपने, तो आप प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास नोटिफिकेशन आए। पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपके दिल में जो एक वहम है कि सोयाबीन या सोया चंक्स खाने से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, सो ये जो गलतफहमी है, ज़्यादा मात्रा में आप लेते हो तो इससे आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक मात्रा में लेते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैं आपको इसका जो न्यूट्रिशन पार्ट है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। सोया चंक्स है, इसमें आपको 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। हाँ, 52 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है आपको सोया चंक्स से। उसके बाद आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 33 ग्राम। अगर मैं इसमें फैट के बारे में बात करूँ तो इसमें बहुत कम फैट है, मतलब 100 ग्राम में 0.5 है। और इसके साथ साथ आपको इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी मिल रहे हैं। पोस्ट वर्कआउट में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आपकी इसमें पूरी हो रही है। ये एक कंप्लीट मील है। कंप्लीट मीन्स इसमें जो एमिनो एसिड का जो प्रोफाइल है वो एकदम कंप्लीट है। और अगर हम इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पोस्ट वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखा होगा कि अगर हम प्रोटीन शेक ले रहे हैं तो उसके साथ हम या तो एक केला या तो एक एप्पल खा रहे हैं, तो इसमें आपको ऑलरेडी 33 ग्राम्स कार्ब्स मिल रहे हैं पर 100 ग्राम। बात करें पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन की तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो है डाइजेस्टिबिलिटी। तो जो अदर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अगर आप प्रोटीन शेक ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसका 100% रहता है डाइजेस्टिबिलिटी। में देखें तो एग में भी हमें 98% मिलता है डाइजेस्टिबिलिटी और इसमें आपको 96 मिलता है। अगर हम इसको किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमें इसमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ये ले सकते हो। और जो वेजिटेरियन है उसके लिए तो ये जड़ी बूटी है, क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता और कहीं मिल सकता है।